और उसके अंदर अक़ल की दस जहतों के अंदर सबसे बड़ी जहत जो थी वो विजदान थी तो ये जो लीडरशिप है ये वो है जो कि आने वाले वक्त को देख सकती है ये, ये ऐसा नहीं है कि वो कोई सुपर नेचुरल या सुप्रैचुर होती है बट वो देखती है कलेक्शन कहाँ से देती है अपने सबकॉन्शियस से उसकी ऑब्जरवेशन ज़्यादा तेज़ होती है और वो हर चीज़ जो कि आपके इर्द गिर्द गिर्द नवाब में होती है आपका एको सिस्टम एंटरप्रनोरियल या जो एंटरप्रनोर या एकोप्रनोर जो है वो इस चीज़ को देखते हैं और वो उनकी नज़रों से कोई चीज़ भी जो है वो खफी नहीं रहती यानी छुपी नहीं रहती अब यहाँ देखें कि ये होती कैसे वन इज सबसे पहले आपने प्रिपरेशन लेनी है इसको लाइव इन द बाउंड्री प्लान फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड चेंज आपने डेवलप चे, कर दिया वेन इट शुड मूव ऑन टू द पैटर्न आपने दुनिया के लिए एक पैटर्न बनाना है हाउ टू एंगेज अ ब्रेन ट्रस्ट बिल्ड अ पावरफुल टीम आपने कैसे ब्रेन ट्रस्ट करना है आपने ब्रेन का अपने दिमाग का रिफ्लेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्शन कैसे क्रिएट करना है आपने एलग्री ऑफ केव पढ़ा होगा आपने रिफ्लेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा मेरे दिमाग के अंदर एक आइडिया आया उस आइडिया ने इम्प्लीमेंट होना और इस इंप्लीमेंट होने के बाद एक प्रोडक्ट सर्विस बनना है उस सर्विस ने आपके साथ आपका ट्रस्ट लेना है और जब मैं इंगेज करके दस पंद्रह हजार को अपने साथ मिलाऊंगा फिर उसके बाद सोसाइटी बनेगी और सोसाइटी बनते बनते वो ग्लोबलाइजेशन तक चली जाएगी फिर लाखों करोड़ों लोग उस प्रोडक्ट के साथ एक लिविंग ब्रांड की तरह जुड़ जाएंगे सो दिस इज हाउ वी बिल्ट द पावरफुल टीम एंड एन दैन एज ए परफॉर्मेंस उसकी परफॉर्मेंस के अंदर वर्केबल पोजिशन होती है आप एप्पल को भी नहीं छोड़ते अगर वो तीन आंखों वाला ना छोड़े तो आप उसको छोड़ देंगे आप प्रोडक्ट जो है नई इनोवेशन लेकर आते रहते हैं उसके अंदर आपने एडिटिंग कैसे लेकर आनी है आपने उस मोबाइल को जो है वो कंडेंस करके आपने बड़े बड़े कैमरा उड़ा देने आपने ऑफ सल्यूशन दे के दे के आनी है आपने उसको आ, कई चीज़ों का अल्टरनेट बना देना है आपने एक आईफोन को जो है वो तो सिर्फ पाकिस्तान में तो एक शो है कि तीन आंखों वाला लेकिन मुझे उसके सिस्टम में यकीन है कि उसने ऐसी चीज़ें दी होंगी जो फंक्शनल चीज़ों की आ,

उसका पैशन नहीं है और उसके बाद परफॉर्मेंस नहीं है और परफॉर्मेंस को बड़ा सर्कल लगाए आपने बहुत बड़ी बातें कर दी आपने कहा हम पहाड़ों को रेगजार बना देंगे आपने कहा कि हम यकीन को यकीन बना देंगे हम नई स्टैंडर्ड्स बना देंगे हम नई फतेह बना देंगे हम नई ममालिक बना देंगे नई जमीने बना देंगे कि सब कुछ कर सकते हैं लेकिन विदाउट परफॉर्मेंस इट इज़ जस्ट मोटिवेशनल फैंटेसी मोटिवेशन फैंटेसी के अलावा ये कुछ नहीं होगी सो मूविंग ऑन टू द पर्पस इट गिव्स द डिस्टिंग्विशिंग सर्विसेज एंड सर्व अ ब्रॉडर पर्पस यानी लार्जर देन लाइफ पर्पस आपका हल नहीं होगा सो इट कैन नॉट वर्क सो हमने ये देखा कि एंटरप्रेन्योर लीडरशिप इज अबाउट द पर्पस पैशन एंड परफॉर्मेंस थैंक यू वेरी मच